यार हमको कमेंट आती है भैया फुल गेम प्ले वीडियो चाहिए, तो हम कहते हैं भाई साहब ये इच्छा पूरी करेंगे, आपने कमेंट की है आपने तो ये इच्छा तो आपकी पूरी करनी पड़ेगी हमको। तो हम यहाँ पे उतरते हैं स्टेडियम, तो हमको मिलती पिचकारी और हमारे भैया को मिल जाती गन। तो भैया जी इतने में जो है एक बंदा जो है वो नॉक कर देते हैं, तो हम पिचकारी यही लेके दौड़ जाते हैं कि अब नॉक हो गया है तो मारेंगे उसको। लेकिन जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमको जो है दिखता कोनो नहीं है, नीचे चला गया होता बंदा। फिर मैं भैया जी नीचे जो है दिलेरी से नीचे चले जाते हैं और फैल जाते हैं। फिर जो आवाज़ आएगी भैया जी आप गौर से सुनिएगा अबे उसको नीचे कि कूद गया अभी मैं तक भैया जी जल्दी। कैसे चिल्लाते हैं, गौर से सुनना। और तो एक बंदा और नीचे आ रहा है। अबे ओम देख बचावे। यहाँ पे तो भैया जी की जान ही बच जाती है, प्राण हलक में आ जाते हैं उनके पर बच जाते हैं। फिर देख वो हमसे मेरी कुछ हील देख बोलते थोड़ा हैं। पहले। दे M4 दे दे मेरे को। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ पे भैया अपार्टमेंट के साइड जो है बहुत सी गोलियां चल रही होती हैं, तो हम तुरंत आते हैं इधर पे कि हमारे पास DP की गोली नहीं है और M4 की, तो बॉट मार के इनकी बंदूक जो है छिना के इनसे हम गोलियां ले लेंगे और दोनों बॉटों को मार के हम जो है इनसे गोलियां जो है छिना लेते हैं। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास गोलियों की थोड़ी सी कमी है, तो इनका पेटी एटी लूट लें फिर जाएं इधर से आगे। यहाँ पे हम इनकी पेटी वगैरह लूटेंगे और फिर आगे जाएंगे। अब अपार्टमेंट से होने के बाद भैया जी हम यहाँ से जा रहे होते हैं, अपना स्केट बोर्ड निकालते हैं भैया जी, थोड़ा सा स्केटिंग करते हुए जाएंगे आराम से बढ़िया ठंडे ठंडे में। भैया धूप बहुत है, गर्मी बहुत हो गई है, तो ठंडे ठंडे में जाएंगे। इतने में हमको आता है गाड़ी का फुटप्रिंट, हम तुरंत जो है पेड़ के साइड भाग अबे जाते हैं। हम समझ जाते हैं ये बंदे जो हैं चाचा जी की टपरी के पास जो है अपनी गाड़ियाँ नॉक रोकेंगे कर ज़रूर। दिया जो चाचा की टपरी के पास गाड़ियाँ रोकते हैं तो यहाँ पे हम एक को नॉक कर देते एकदम हैं, बहुत हालांकि सही। वो भी हमारे एक गाड़ी भैया जी किसी को गाड़ी नॉक में कर गाड़ी देते में हैं, आप डैमेज होगा। पर यहाँ पे दूसरे बंदे का जो है हमको समझ नहीं भी आता कि वो करना क्या चाहता है। जब उसके पास गाड़ियों का कवर है तो वो खुले में क्यों आ रहा है हमसे पिटने गाड़ी के लिए, पीछे से बताइए। जल्दी मार दे अब इसको, जो इसको है ये खुले में जल्दी आता दी है तो जाए। हम इसको पीट भागा देते भागा हैं और अपने भैया जी के भागा यहाँ पे भागा। प्राण जो है बचा लेते हैं। हम बोलते हैं भैया जी कि गाड़ी आड़ी दिखा करे तो यार थोड़ा सेफ जगह मतलब पत्थर वत्थर के पीछे या पेड़ वेड़ों के पीछे चले जाया करो, ऐसे खुले में ना घूमा करो। लेकिन हमारे भैया जी जो है लॉकडाउन में भी खुले में घूमते हैं। फिर हम इनको चाचा की टपरी के पास जो है रिवाइव देते हैं, फिर इनकी अरे मैं वो पेटियां यहाँ पे लूटेंगे डिस्क खाने लगा रहा है ना, तब और तक फिर जो ये है इनकी गाड़ियां यहाँ से लेंगे देखता अपनी गाड़ी और चल देंगे आगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिस्क यहाँ खा पे रहा हमारे था। भैया जी कर लेते हैं सस्ता नशा, एनिमी ड्रिंक डाउन। वगैरह उठाते हैं और जो है पी जाते हैं। तो अब इनकी गाड़ी ड्राइविंग देखिए क्या ही ड्राइविंग करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है बहुत धासु ड्राइविंग करते हैं। हम बोलते हैं चलो यहाँ से अब ओल्ड बीसेंट चलें और ड्राइव करो, हम तो नहीं ड्राइव करने वाले क्योंकि क्योंकि हमने जो है ड्रिंक पी ली है। लेकिन भैया जी ये हमको बताते नहीं कि इन्होंने भी ड्रिंक पी ली है, इनका जो सस्ता नशा रहता है हमको भारी नहीं पड़ता, वैसे कोई उतना नॉर्मल ही रहता है सब अच्छा है, खास बंदे नहीं आते वहाँ पे। वही भैया जी इतना तेज़ सस्ता नशा कर लेते हैं कि जाकर सीधे ब्रिज की जो है रॉड पे दे मारते हैं। पनीर खींच रहे हैं भाई। मैं तो यहाँ पे भैया जी हम आते हैं पूरा ओल्ड बीसन मतलब गुप्ता पूरा मैप घूम के कि कहीं पे बंदे मिले, लेकिन हमको मिलते कहीं पे बंदे कहीं नहीं। मिल जाता यहाँ पे गाड़ी हम गुप्ता जी के जो घर में हैं ऐसे ही डालते हैं ग्रेनेड कि वाली यहाँ पे गाड़ी हमको को। फुटप्रिंट आ रहे होते हैं कि कोई मर जाए, परंतु तो कोई नहीं होता। तो यहाँ से फिर हम देखते हैं कि चर्च से जो दो बंदे जो हैं भागे भागे आ रहे हैं, चर्च में बम लगा दिए हैं कि जब क्रिश्चियन लोग आएंगे तो बम फूटेगा तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन हम मारते हैं इनको तो भैया जी ये तो असला बारूद सब कुछ रखे होते हैं, भैया हमारा जो है हेलमेट ही उड़ा देते हैं, मतलब कि हमारी कढ़ैया जो है उतार देते हैं। हम भैया से बोलते हैं भैया जी कोई डंका वंका मिलेगा चाय वाला, डंका ही लगा लें क्या है, लेवल वन का ही हेलमेट चल जाए हमको, डंका क्या है, हेलमेट की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है भैया जी आखिरी में, क्या है दो चार गोली लगती हैं तो आप हो पीछे जाते भी हैं गाड़ी नॉक, लगी। इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, विदाउट हेलमेट ना खेलें कृपया कर पबजी, ये जनहित में जा रही है भाई साहब। फिर हम इधर जाएंगे कंटेनर में छुप जाएंगे। वाले पेड़ के यहाँ पास पे अलाइव देखिए रहते हैं 10 भैया जी, तो यहाँ पे आ जाते हैं दो बंदे हमारे बगल में,
हम सोचते हैं जाएं अब इनको मारा जाए क्योंकि हमारे पास रहता नहीं है ग्रेनेड, तो हम इनको ग्रेनेड से मारते, फिर अचानक से अलाइव हो जाते हैं सिक्स, और जब हम इनसे लड़ेंगे तो हमारा एकदम चिकन डिनर हो जाएगा भैया, चमत्कार हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखो ये हालांकि अलग अलग बंदे रहते हैं, हम सोचते हैं एक ही टीम के बंदे हैं, तो यहाँ पे हमको हमारा किल नहीं मिलता एक तो, और हो जाता हमारा चिकन डिनर।